अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो चलिए, हमारी शाम हो गई है, सुबह भी हो गई, शाम भी हो गई, काम भी हो गया है। अब शाम की पकाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोगों को रेसिपी भी बहुत दिन के बाद रेसिपी दे रही हूँ मैं। कम से कम एक दो महीने के ऊपर ही हो गया, ज्यादा हो गया, रमजान में अपन रेसिपी दे रहे थे, तो मैंने रेसिपी कुछ दी नहीं थी, तो आज मैं सोची कि आप लोगों को कुछ रेसिपी शेयर की जाए। हाँ, तो मैं सोची यार दाल गोश्त बनाऊंगी, बच्चे लोग भी बोल रहे दाल गोश्त बनाओ। वैसे तो मैंने चिकन का दाल गोश्त बनाई थी, तो आज मैं मटन का बना रही हूँ दाल गोश्त। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं दाल गोश्त कैसे बनाती हूँ। पहले तो मैंने ये तीन किस्म की दाल ली हूँ, मिक्स दाल ली हूँ, तुवर की और मसूर की और मूंग की। तीन दाल ली हूँ। अगर आप लोग चने की दाल चाहिए तो आप लोग चने की दाल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं ये तीन ही चीज ली हूँ। और मैंने ये 1/4 किलो दूधी ली हूँ। दूधी मैं कम डालती हूँ दालचीनी में, क्योंकि हमारे घर में कोई खाएगा ज्यादा खाता नहीं है कोई, तो सब गोश्त खाते हैं। हाँ, दूधी कोई खाएगा ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1/4 किलो ही ली हूँ दूधी। और टमाटर ली हूँ 4। टमाटर मैंने ज्यादा ली हूँ क्योंकि मैं ना अपना इमली का पानी ये सब नहीं डालती हूँ, क्योंकि खट्टा हो जाता ना ज्यादा, तो उसके मतलब इसके अब्बा खाते ही नहीं ज्यादा खट्टा, तो मैंने टमाटर थोड़ा ज्यादा ले ली हूँ। 4 टमाटर ली हूँ, 3 कांदा ली हूँ, बारीक बारीक काटी हूँ। हरा मसाले, हमारे हरा मसाले में मैंने 6-7 ज़्यादा हरी मिर्ची ली हूँ, और 1 गड्डी लहसुन, थोड़ी सी अदरक और कोथमीर। मिर्ची आप लोगों को जितना तीखा खाना है आप लोग उतना लेना। ये मैंने 1/2 किलो मटन ली हूँ, मटन को अच्छे से मैंने धो के रखी हूँ। ये हमारे सूखे गरम मसाले हैं, ये लौंग है 4, ये दालचीनी, ये फूल है, फूल के 2-3 टुकड़े हैं, ये हरी इलायची, तेज पत्ते ली हूँ 4, साजीरा, ये काली मिर्च। सबसे पहला तो हम इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे बारीक सा। गरम करने रखी हूँ, 3 चम्मच मैंने तेल ली हूँ, तेल हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले, एक साथ में सब मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे हल्का सा। इस साथ ही साथ एक कांदा भी डाल देंगे हम। ये एकदम जल्दी बनने वाला दाल गोश है, वो जल्दी बन जाएगा आपको साथ ही में दिखा दूंगी इसको। थोड़ा सा उसको सिर्फ गला के लेते हैं बस, कांदा हमारा लाल नहीं करना, सिर्फ उसको गलाना है। देखिए ऐसा ही गलाना है, लाल नहीं करना। फिर हमारा जो हरा मसाला हमने रखे थे ना, हम इसको भी ऐड कर देंगे, पीस लिए थे। हाँ, जो पीस ली थी ना मैंने अच्छा बारीक, साथ ही साथ इसको भी डाल देंगे। इसको पानी डाल के बाद में यूज़ करेंगे। फिर हम डालेंगे हमारा जो मटन रखा है ना धोके, फिर इसको भी डाल देंगे हम साथ ही में। अभी हमारे सूखे मसाले भी हैं, आपको वो भी मैं बताऊँगी, वो बताई नहीं थी मैंने, तो भी आपको बताऊँगी। साथ ही साथ हम टमाटर भी डाल देंगे, जो टमाटर है ना हमारे, ये भी डाल देंगे। एकदम चटपट वाला है, एकदम जल्दी बन जाएगा ये, एकदम टाइम नहीं लगेगा। और तो हमारे सूखे मसाले ना देखिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये 1/2 चम्मच हल्दी, ये जीरा पाउडर हाँ, ये 2 चम्मच मैंने ली। ये हमारे सूखे मसाले भी हम डाल देंगे इसमें। अब सब चीज़ों को मिक्स करके ले लेते अच्छे से, मिक्स करके लेना है। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर भी डालना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी कोथमीर डालने के बाद ये इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, है ना। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी हम जो वाटी में मसाला पीसे थे ना, वही वाटी को हम धोके डाल देंगे, ताकि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। भूनना ही है इसको, सब मसाले डाल के भूनना है। इसमें कुछ सीटी वगैरह नहीं लिए थे अभी, सब सूखे मसाले वगैरह डालने के बाद इसको भून ही रहे जब से। अब इसको हम सीटी लगा लेते हैं, क्योंकि अब गोश्त का भी पानी निकलेगा ना, अभी गोश्त भी गलेगा, अभी गोश्त भी गलेगा, इसका पानी भी निकलेगा तो गल जाएगा। अभी हम 4 से 5 सीटी ले लेंगे इसको, हम गला लेते जब तक सीटी हो रही ना, तो हमारी दाल भी जब तक गल जाएगी। तो दाल को मैंने अच्छे से धो के 2 गिलास पानी डाली हूँ। उसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आज मुस्कान के मुँह में बहुत पानी आ रहा है, बोलती जल्दी जल्दी बनाओ, मम्मी भूख लगी मेरे को। देखो 1 चम्मच में नमक भी डाल दी हूँ। बाद में इसको नमक नहीं डालना है, चेक करके डालने हैं, है ना। हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं, इसको सीटी लगा लेते हैं। इसकी कितनी सीटी? 4-5। 4 सीटी लग जाएगी ना, जल्दी गल जाएगी। मसूर के तुवर की दाल है ना, तो हम गैस चालू कर सीटी ले ली हूँ। देखते हमारा गोश्त गल गया है क्या। 6 सीटी हमारी हो गई है, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा गोश्त भी गल गया है ना। इसके अंदर तरी निकल आई एकदम से, पूरा मसाला भी। अब पहले हम इसको अच्छे से, अभी जो इसमें पानी है ना, पहले पानी को अच्छे से सुखा लेते हैं।
पहले पानी अच्छे से सुखा लेंगे, 10 से 15 मिनट पकने दो, अच्छे से पकेगा तो पानी सूखेगा तो फिर हम दाल डालेंगे। तो पानी सूख रहा है ना, जब तक हम चावल को भी अच्छे से मस्त फ्राई करके बनाई गया जिसके साथ दालची के साथ, तो दाल भी हमारा गल गई देखे, इसको मतलब घोटने की भी जरूरत नहीं, चम्मच से ऐसा ऐसा करेंगे ना तो हमारी दाल गल गई है। तो हमने तेल गरम करने रखे हैं चावल का, तो तेल हमारा गरम हो गया, मैंने एक चम्मच भर के तेल ली हूँ। ये सूखे मसाले भी हम डाल देंगे इसमें, 3 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच सादा जीरा है, 2-4 लौंग, काली मिरी ली हूँ 5-6, इसको लाल कर लेते हैं पहला, पानी डाल देंगे क्योंकि मैंने चावल ज़्यादा नहीं, मैं हम 2 गिलास चावल बनाएंगे तो मैं इससे 3 गिलास पानी डाल दूँगी बस। नमक डाल के इसका आधा नाने देंगे, सूखेगा जब तक हम इसमें दूधिया भी हमारी डाल देंगे ताकि हमारी दूधी भी साथ ही साथ गल जाए, है ना, तो अच्छा आसान पड़ जाएगा। इसी में हम गला लेते हैं गोश्त के अंदर, और वहाँ पे जब तक चावल भी पके, चावल का पानी अदन उड़ी रखी हूँ मैं, फिर यहाँ पे सालन हम इसको मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से ताकि हमारी दूधी भी ना इसके साथ में थोड़ी गल जाएगी। हमारा अदन हो गया, चावल इसमें डाल देंगे धो के अच्छे से साफ, अब इसको हम पकने देंगे। इसके दालचे के साथ में ना बघारा चावल मस्त लगता है, और अपना बोलते हैं क्या तंदूरी रोटी पराठा, मज़ा आता है ना खाने में। चावल हमारा पक चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा जलेबी का जो कलर होता है ना हल्का हल्का, इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे तो ये लाल हो जाएगा। हाँ ये लाल, अच्छा चावल का कलर है ये, अच्छा खुद में हल्का सा। अब इसको हम दम पे दे देंगे 5 मिनट तक, देखो मुझे पता है। हाँ दम दे देंगे इसको 5 मिनट तक, ये 10 मिनट तक मैंने अच्छे से पका ली हूँ। दूधी भी मेरी इससे भी गल गई है ना, उसका गली ना दूधी, हाँ दूधी भी अच्छे से गल गई है और गोश्त भी अच्छे से सब गल गया है। हाँ मसाला देखे माशाल्लाह कितना अच्छे से भुना गया है, आराम आराम से सारी दालों को आराम आराम से ऐड कर देंगे, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हम इसको थोड़ा दालचे को पतला कर लेते हैं, जो कुकर में दाल गलाए थे ना उसी में पानी डाल के हम 1-2 गिलास पानी डाल लेंगे उसको, जितना आपको होता था दालचा पतला चाहिए गाढ़ा चाहिए आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, है ना। अभी ये दालचा ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगेगा, गाढ़ा ही अच्छा लगेगा ज़रा सा, क्योंकि जितना पकेगा उतना ही वो गाढ़ा होते रहेगा। तो इसमें हम कोथमीर ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और 5 मिनट तक इसको और पकने देंगे बस, 5 मिनट तक और पका लेते अच्छे से। हमारा बन के हो गया है तैयार, तो आप लोग भी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट में बताना मेरा दालचा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग भी ज़रूर ऐसे ही बना के खाना, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और इसके साथ मैंने ये चावल भी बनाई हूँ, हमारा चावल भी बन गया है, कैसा लग रहा है मुस्कान चावल, अच्छा लग रहा है, खुशबू। तभी आप लोग जब खाएंगे तो आप लोग को सर्व भी करके दिखाएंगे गाइस। मस्त बना है, खुशबू तो आ रही है, ऐसे ही आ रही है तो खाने से क्या होगा, है क्या नहीं। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो जब से रेसिपी बन रही थी इसलिए मैंने बीच में मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करी, तो बस अभी हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, और मेरे आँख में इतना जलन हो रहा है ना इसलिए मैंने अभी आइस रोलर करी। तो यहाँ पे हम लोग देखो सब बैठ गए खाने के लिए, मैं आप लोगों को सीधा खा के ही बताती हूँ कि कैसा बना है दाल को। चलो अब स्टार्ट करो, चलो देखते हैं, खाओ खाओ खाओ, स्टार्ट करो आराम से आराम से। कैसा लग रहा है, मैं खाती हूँ, मस्त मजा आ गया। मिलते खाना खाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया और खाना खा लिया, नीचे बिस्तर भी लग गया है, एंड मैं ऊपर सोने के लिए आ गई हूँ। मैं नीचे नहीं सोती हूँ, मैं ऊपर सोती हूँ मेरी लोग के साथ, मेरी की मम्मी मेरी और मैं नीचे, मम्मी अब्बा सुहान सोते हैं, तो अभी यहाँ पर बिस्तर लगना बाकी है। इन लोग अभी खाना खा रहे थे, अभी पता नहीं मेरे सर पर फोड़ी हो गई है या क्या, कैसे देखो निशान दिख रहा है। सो दाल गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, एंड आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अम्मी की रेसिपी, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल, लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू, आई एम रियल राइट नाउ, you look at